बताइए विकास अपने बारे में कुछ। सर माय नेम इज़ विकास चौधरी, आई बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन 2017 फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड करेंटली आई एम ए सर्वेंट ऑफ इंडियन रेलवेज एज हॉस्पिटल अटेंडेंट इन सेंट्रल रेलवे एंड करेंटली पोस्टेड इन मुंबई डिवीजन ऑफ बायकला, एंड माई हॉबीज एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग न्यूज़ एंड प्लेइंग वॉलीबॉल इन माई लीजर टाइम सर, एंड आल्सो आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CAPF एंड अदर एग्जाम्स लाइक CDSAF कैट एज वेल। यस सर। आज के न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? यस सर। आज का न्यूज़पेपर मतलब द हिंदू में यूपी के बारे में कोई आर्टिकल आया है? सर आई हैव सीन अ न्यूज़ अबाउट गाजियाबाद इटसेल्फ अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स, बिकॉज द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ गाजियाबाद येस्टरडे वॉज 315 विच इज़ इन पुअर कैटेगरी, एंड ऑल्सो डेलीज इंडेक्स वॉज 296। इट इज़ स्टिल इन पुअर पुअर कैटेगरी बट इज इट ऑन द वे ऑफ गोइंग इन टू द वेरी पुअर कैटेगरी, सो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट गाजियाबाद इज लैगिंग बिहाइंड द डेली इन AQI, सो आई थिंक इट इज़। कल के न्यूज़पेपर, कल या शायद परसों के न्यूज़पेपर में एक चीज़ थी ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट के बारे में, जो भारत को भारत के मतलब 8 कोस्टल एरिया, राइट सर, है ना? या राइट सर, ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट मतलब वो मान्यता मिली है, राइट सर। इसमें कौन कौन सी एजेंसी है जिसने इसको ये किया है, मतलब सर्टिफिकेट किया है, मतलब कौन कौन इंक्लूड है? मेरे कहने का मतलब सर आई थिंक देयर इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एंड सर एज पर माई लिमिटेड नॉलेज आई एम अवेयर अबाउट इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। बता दीजिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट को देने के लिए? सर देयर शुड बी अ क्लीन एंड हाइजीन कोस्टल एंड सम प्रोविजंस लाइक फैसिलिटीज लाइक क्लीन बाथरूम्स शुड बी देयर, एंड सो सर क्लीनलीनेस इज द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड दिस, एंड 8 ऑफ द इंडियन कोस्टल बीचिज आर गोट दिस सर्टिफिकेट। यस सर। विकास 2019 में एक बिल मतलब एक पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ, राइट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन वॉच। यस सर। ठीक है, क्यों हुआ, क्या क्या रीजन थे, पहले की पॉलिसी क्या थी, आज की मतलब जो 2019 में जो संशोधन हुआ वो कौन कौन से संशोधन हुए, थोड़ा सा बताना पाएंगे एक दो चार पॉइंट में? राइट सर, राइट सर। सर एक्चुअली आफ्टर 2008 अटैक ऑफ मुंबई 26/11, सो देयर इज एन एजेंसी नेम्ड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी वॉज रेज्ड, एंड इट्स मेन वर्क टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेररिज्म एंड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स, सो बट द मेन रीजन वाई दिस एजेंसी इज नॉट वर्किंग वेरी वेल आर द स्टेट्स विच आर नॉट गिविंग देयर एसेंट to probe into their state. So, I think this was the provision which got changed or amended in 2019 policy. Sir, I am aware about this. आपकी पहली प्राथमिकता BSF? Sir, ITBP. हाँ, sir, ITBP. Yes, sir. तो BSF को third इस पे क्यों रखा? Sir, it is not like that why I put BSF in third spot, but I prefer ITBP and CISF over BSF. So, because I want to join ITBP. And because it gives a very adventurous life to live, and it is considered to be one of the toughest forces of the world, and it is itself a prestige to join ITBP, and in that particular agency I can use my medical knowledge as well, because they are trained in medical camps in remote villages in Ladakh areas or Arunachal Pradesh areas, so sir I have put ITBP on my first preference. आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है? या राइट सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काफ़ी मतलब हमेशा इश्यूज में रहती है, न्यूज़ में रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं करोगे कि आप कहना चाहिए ITBP या BSF CRPF में जाके भी उसी तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ? नो सर, इट इज़ नॉट माई मोटिव, बिकॉज ऑल CAPFs आर इक्वल एंड I will be happy with any of the CAPF. एक और क्वेश्चन। राइट सर। आप मुझे अपनी तीन वीकनेसेस, राइट सर, और तीन स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है, बताना चाहेंगे? राइट सर। सर आई थिंक माई
वीकनेसेस, एज फार एज वीकनेसेस आर कंसर्न, देर इज माई वर्कहोलिक नेचर, बिकॉज माई फ्रेंड्स विद हुम आई एम स्टेइंग इन मुंबई, ही कंप्लेन दैट यू आर लेट, बट बिकॉज ऑफ वर्क सो आई एम लेट अ लिटिल बिट. एंड सेकेंडली सर, माई सुपरिटेंडेंट्स समटाइम्स टेल मी दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन हेल्थ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ अटेंडेंट. सो सर, वीकनेस इज एज फार आई वीकनेसेज आर कंसर्न देर आर टूज, एंड माई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर सर माई लीडरशिप क्वालिटी एंड माई सर कामनेस, बिकॉज आई हैव कैप आई वॉज ए कैप्टन इन क्रिकेट. तो सो सर, देर देर शुड बी कॉमनेस एंड लीडरशिप. सो सर, दीज आर द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स. आपने अपने फादर की इनकम शो किया है, मदर की इनकम क्यों शो नहीं किया? सर यस, आई थिंक आई शुड शो माई मदर्स इनकम, बट दैट इज इंटेंजिबल इनकम, बिकॉज माई मदर इज अ होम मेकर, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट दैट इन इन द फॉर्म ऑफ मनी. सो दैट्स वाई सर आई हैव नॉट, बट यस, सी इज इक्वली हार्ड वर्कर एज फॉर एज माई फादर. यस सर. राइट सर. सर एज फार एज आई नो, अर्लियर इट वॉज यूज टू यूज हाउस वाइफ्स, बट इट इज नाउ अ ट्रेंड टू टू रिप्लेस दैट वर्ड बाय होम मेकर. सर आई नो ओनली दिस. एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आप कर रहे थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो उसमें कितने एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है? सर यस, देर आर फाइव एलिमेंट्स विच आई हैव सीन इन न्यूज पेपर द हिंदू इट सेल्फ, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर, एंड पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 एंड 10 सर. राइट सर. सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट आई विल रीड अबाउट इट लेटर सर. सर मिस्टर सुब्रमण्यम इज देयर. सर यस सर, ही वॉज फ्रॉम फार साउथ एंड हीज रोल is considered to be equally important in Indian national movement itself. So I know this, only this about this. Aapki hobby mein chess bhi hai? Yes sir, chess is there. Sir, actually I play chess in my leisure time only. So I don't follow the news of chess. Sir, I know. Sir, in leisure time. राइट सर. खेल सर्विस कर मोस्ट प्रोबेबिलिटी सर इन द कॉर्नर इन फ्रंट ऑफ हिम सर, बिकॉज ऑफ द स्विंग दैट इज बर्नौलीज थ्योरम. देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम देर विल बी अ स्विंग इन द वॉलीबॉल इट सेल्फ एंड इट विल गोज टू द राइट हैंड कॉर्नर इन फ्रंट ऑफ द सर्विस मैन इफ ही इज. सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. सर द मेन मेन इज क्रिकेट, द मेन गेम इज क्रिकेट. सॉरी सर. जी 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 यस यस यस. सो ही विल बी लेफ्ट डिफेंडर. यस सर. यस सर. फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? सर इन 1975 आई थिंक. सर वेस्ट इंडीज. राइट सर. सर आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2017. द सब्जेक्ट्स इन फिजिकल साइंसेज, द सब्जेक्ट्स वर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री. राइट सर. केमिस्ट्री
सर आई कैन टेल वाई इट इज़ गिवन और इन विच फील्ड इट इज़ गिवन, बट सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट द नेम्स ऑफ द। तो मैं आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, बायो में मेडिसिन होता है, यस सर। लेकिन मैथ में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों? सर देयर इज़ अ प्राइज विच इज़ इक्वल विच इज़ कंसिडर्ड टू बी इक्वलेंट टू नोबल प्राइज इन मैथमेटिक्स इट सेल्फ। सो कि नोबेल प्राइज क्यों नहीं? बट सर इट इज़ एक्चुअली द रीजन वाई द नोबल प्राइज इज गिवन इज दैट विच कुड वर्क इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। सर मैथमेटिक्स कैन गिव अस थ्योरी बट आई डोंट थिंक इट कैन बी यूज इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स सर। सो आई थिंक दिस इज द रीजन एज पर माई व्यू। क्लियर नहीं है आपको? नोट सर नोट स्पेसिफिकली। और अभी आप रेलवे में वर्क कर रहे राइट हैं, सर। इस साल इंडियन रेलवे का बजट कितना था? इंडियन रेलवेज बजट ऑफ इंडियन रेलवेज वाज भारत सरकार के बजट के अनुसार इंडियन रेलवे को कितना दिया गया? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। अच्छा, टोटल लेंथ कितनी है इंडियन रेलवे की, जो पटनियां से हैं, कितनी कितने किलोमीटर की? सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जी सर इसके बारे में जानते हैं, कौन सी, तेजस ट्रेन इज देयर कहाँ से कहाँ चलती है? सर इट इज़ सॉरी सर क्लियर नहीं है आपको? नहीं क्लियर। आप इंडियन रेलवे में हैं लेकिन क्लियर नहीं है? सर एक्चुअली माय डिपार्टमेंट इज़ मेडिकल इन इंडियन रेलवेज मेडिकल दैट आई वर्क इन एज हॉस्पिटल अटेंडेंट। सो दिस इज़ माय वर्क सर इन रेलवेज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में यस सर। फिर भी आपके आपका डिपार्टमेंट है तो इतनी तो जानकारी राइट है, सर तो उम्मीद की जानकारी राइट से रखना चाहिए। राइट सर। जैसे रिसेंट में सबसे ज़्यादा हार्स पावर का एक इंजन रेलवे ने में इंक्लूड किया गया राइट था, सर। कौन सा है? फिर क्रिकेट का जो रिवर्स स्विंग होता है रिवर्स स्विंग उसमें कौन सी थ्योरी यूज होती है, साइंस की या फिजिक्स की थ्योरी यूज की जाती है? कौन सी थ्योरी है जिसकी वजह से रिवर्स स्विंग होता है? सर आई थिंक बर्नौलीज थ्योरम इज देयर। बर्नौली क्या है वो? सर व्हेन द बॉल गेट्स ओल्ड अ लिटिल बिट ओल्ड सो इफ वी रब वन साइड ऑफ द बॉल तो देन दिस साइड वुड बी स्मूथ एंड द अदर साइड वुड बी रफ। सो एंड थ्रू द स्मूदर साइड्स द वेलोसिटी ऑफ विंड इज ग्रेटर एंड थ्रू द स्मूथ रफर साइड इट विल बी लेसर वेलोसिटी ऑफ विंड विल बी लेसर। सो सर देयर इज अ स्विंग विच इज रिवर्स्ड इन नेचर। सो सर दैट्स वाई देयर इज अ प्रेशर विच विल अप्लाइड ऑन द बॉल। फर्स्ट प्रेफरेंस है आईटीबीपी। राइट सर। आईटीबीपी का मोटो क्या है? सर दृढ़ता सर वेलर डिटर्मिनेशन एंड स्टेडीनेस। क्लियर नहीं है आपको? सर इन इंग्लिश इट इज़ वेलर डिटर्मिनेशन एंड स्टेडीनेस। श्योर? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट द थर्ड वर्ड आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्ड सर बट द टू वर्ड्स आर देयर वेलर डिटर्मिनेशन। जैसे डीजी कौन है? सर एस एस देसवाल। आपने जो फॉर्म फिल किया है इसमें 10th और इक्विवेलेंट में परसेंटेज आते नहीं है, नो सर। सर एट दैट टाइम सी जी पी इज गिवन 9.2 बट यस सर देर इज अ कन्वर्टेबल फॉर्मूला इज देयर हाँ स्कोर वी आपने कैन मल्टीप्लाई बाई 9.5। सी जी पी है। यस सर। मीडिया सेक्रेटरी यूएसए यस सर भी रहे हैं, यस सर। आपका वर्क किस में क्या था? सॉरी सर आपका वर्क ओके एज अ मीडिया सेक्रेटरी ऑफ डूसू। यस सर आई वॉज ए मीडिया सेक्रेटरी इन 2016 व्हेन आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन एंड माई वर्क वॉज टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स एंड आई हैव टू ऑर्गेनाइज द मीडिया पर्सन्स इन अ वे सो दैट दे कैन टेक द सोर्स और टेक द रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट इन अ स्मूदर एंड वेरी कोऑर्डिनेटेड वे। अभी मीडिया वाले बहुत चर्चा में हैं टीआरपी को लेकर के, राइट सर। राइट सर। आप मुंबई में हैं जी जी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीबीआई को अपने राज्य में जांच से मना कर यस दिया, सर। क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, उसके अगेंस्ट है?
सर एज फार एज सी बी आई प्रोब इज कंसर्न, सी बी आई हैज़ अ वारंट टू डू प्रोब इन एनी वेयर इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया इट सेल्फ. बट सर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अंडर द स्टेट लिस्ट. सो सर दे शुड बी एन नोड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इफ ए सी बी आई इज वॉन्टेड टू सम प्रोब देयर इन देयर लेजिस्लेटिव एरिया. सो सर I think there is a little bit need of improvement in the CBI's structure. Constitutions have any provision for probing, for CBI giving the, yes sir, yes sir. Sir, CBI was enacted under the Delhi's पुलिस लॉ इन 1948. सो सर किसी और गवर्नमेंट ने ऐसा किया है? सर वेस्ट बंगाल डिड इट इन लास्ट ईयर आई थिंक. एंड सॉरी सर आई एम अवेयर अबाउट वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल ने कहा कि सीबीआई किसी राज्य में किसी केस को नहीं ले सकते. राइट सर. क्या कोई अपवाद है जिसकी मतलब ये प्रोविजन होते हुए भी सीबीआई किसी केस को हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती? सर यस कर सकती है. इट कैन बी डन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल. आई थिंक सर इट कैन बी डन. बिकॉज सर देर इज अ प्रोविजन इफ देर इज अ क्लैश बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉ विल प्रिवेल. सर आई थिंक द वेस्ट बंगाल स्टेट्स इटसेल्फ देर वाज अ पुलिस ऑफिसर हू सी बी आई वॉन्टेड टू प्रोब हुम बट द वेस्ट बंगाल अर्लियर डिंट गिव इट्स नोड. बट आई थिंक आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन द नोड वॉज गिवन. राइट राइट सर. उन्होंने इसके अगेंस्ट राइट सर प्रस्ताव पास किया इन पंजाब. राइट सर जैसे अभी रिसेंट में राजस्थान ने किया इन पंजाब आई थिंक. राइट सर किस क्या किसी संविधान इसका कहीं पे संविधान में कहीं पे मेंशन किया गया कि ये इस एक्ट के तहत जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है उसको रोकने के लिए राज्य कोई कानून बना सकते हैं? यस सर बट इट रिक्वायर्स अ नोट. First, the governor will send it to the president. If it right, sir, Article 200 and actually I have read it, but I'm not recall it the number of articles, sir. I'm sorry, but I know what is in this article, sir. The governor will put for consideration of the president, and if he gives the assent, then the state's law will prevail, sir. Sorry, sir, I'm not aware about this. Private army? Private army? What is private army? Yes, sir. Sir, I think, sir, there are some countries in Scandinavian countries like Norway and Finland. So there is no army of their own. But if they need anything of or is there any clash between the two countries, they can bring. Sorry, sir, I don't consider it. It is not there in India. Sir, yes. Uttar Pradesh se aap hain? Yeah, right, sir. Uttar Pradesh mein paryatan ko badhawa diya gaya hai. Right, sir. Uttar Pradesh paryatan ki tagline kya hai? Har jagah aap dekhte honge, har jagah Uttar Pradesh mein is cheez ko prachalit kiya gaya hai. Sorry, sir, I'm not aware. Nahi, sir.
आप मुझे ये बता दीजिए, जी सर, एक नाम होता है मैथ में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, राइट सर। सर दिस इज कोऑर्डिनेटर इनसाइड द सर्कल हुज फोर पॉइंट्स आर लाइड ऑन द सर्कल सर्कमफ्रेंस एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री एंड द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। यस सर। अच्छा, ट्रेपेज़ियम में जो होता है, ट्रेपेज़ियम में होता है, राइट सर, उसके डायगोनल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं या इक्वल नहीं होते हैं? ट्रेपेज़ियम में मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, हिंदी में तो समलंब हो जाएगा। इन ट्रेपेज़ियम डायगोनल्स इक्वल? नो सर, कैन मे नॉट बी इक्वल। अच्छा, इक्वल इक्वल नहीं होते? नहीं सर, ट्रेपेज़ियम के डायगोनल इक्वल होते ही नहीं होते। राइट सर, मे नॉट बी इक्वल, यस सर, यस सर, राइट सर, यस सर, राइट सर। इसके बाद अगर हम ट्रेपेज़ियम में हमारी दो साइडें होती हैं पैरेलल, एक अपर वाली एक लोअर वाली, राइट सर, दो साइड नॉन पैरेलल, अगर हम नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट्स पर ज्वाइन कर दें, राइट सर, तो उस लाइन को क्या कहेंगे? If we join mid points of non-parallel sides, understood sir, then lines will form this curve. Trapezium ki non-parallel sides ke madhya bindhuon ko hum milate hain. So sir, line bani, uska naam kuch hoga ya simple lines bani bol rahe hain aapke hisab se? Sir, I have not go through it about. I have never listened this, medium. But that line is called median. Median. Yes. Thank median, you sir. Median jo hai wo triangle nahi hoti. Right sir. And trapezium ke non parallel side ke mid point ko milane par, thank you for the information sir, median, thank you sir. Ab agar hamare paas trapezium hai, trapezium mein hamari jo parallel sides hain uski jo upper side hai wo maan lijiye 6 hai, right sir, jo lower side ke parallel mein wo maan lijiye 10 hai, right, niche ki side 10, upper side 6, right sir. Ab agar mujhe nikalna hai ye median ki lambai, right sir, to iska answer kya hoga? हमारे पास ये एक ट्रेपेज़ियम है, ये साइड 6 है, राइट सर, ये साइड 10 है, राइट सर, हमने ऐसे इसको मिलाया है ऐसे 20 से करके, तो ये लाइन बनी, राइट सर, मीडियन, राइट सर, देन लेंथ ऑफ मीडियन बिल बी सर, द नॉन पैरेलल लाइंस आर इक्वल और नॉट इन दिस क्वेश्चन? इक्वल होने ना, ओके। आईडिया है या नहीं उस प्रश्न को? सर देयर इज अ थ्योरम इन ट्रायंगल वी कैन एक्सटेंड द नॉन पैरेलल लाइंस व्हिच विल मीट ऑन अ वर्टेक्स and we can use, there will be two triangles and we can use the ratios between the two. So sir, hamara kehna hai ki is mein ye upar line 6 hai, right sir, niche ki 10 hai, agar mujhe nikalna hai wo median jo ki maine bola tha, right sir, simple sa 10 plus 6 upon 2 add karte hain upon 2, yes sir, that is 8, okay. aap hindu college se hain, right sir, hindu college ka jo establishment hua वो कब हुआ अपने साथ? सर 1899 आई थिंक, राइट सर, जब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत था या नहीं? सर नहीं था उस टाइम पे। किसके किसके साथ था वो? सर पंजाब यूनिवर्सिटी आई थिंक, पंजाब से उसको कन्वर्ट होने में जो उसका कन्वर्जन हुआ है डीयू के पास, राइट सर, किस ईयर में? सर सॉरी आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, ये हुआ है 1922 में, थैंक यू सर, 1922 में डीयू बना यहां पर, राइट सर, आपके हिंदू के साथ में, राइट सर, सेंट स्टीफेंस, राइट सर, रामदास कॉलेज और हिंदू कॉलेज, इन तीनों को जो कोऑपरेट किया गया इसके साथ, थैंक यू सर। आपने गाजियाबाद से? यस सर। गाजियाबाद का जो पहले का नाम था, यस सर, वो क्या था? सर गाजीउद्दीन नगर आई थिंक, गाजीउद्दीन नगर, राइट राइट। ये जो गाजियाबाद नगर बना था ये किसके नाम से बना था? यस सर। सर देर वॉज ए वजीर गाजीउद्दीन इन, इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1740 एंड एंड इन द मुगल एम्परर वर यूज टू मेक द एडजेसेंट एरियाज ऑफ हिंडन रिवर एज अ पिकनिक स्पॉट एंड सर ही वॉज ए वजीर गाजीउद्दीन, राइट सर, राइट सर। रेलवे की जो स्थापना हुई आपके गाजियाबाद में वो जो किस साल में हुई, रेलवे जो आया वहाँ पर वो किस ईयर में? सर आई थिंक 1865 सिक्स यस सर, उसका
उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 64 में वहाँ पर होना शुरू हो। राइट सर। मोहन मोहन निखिल से आपके यहाँ गाजियाबाद में? ये सर इन मोहन नगर। इसके बारे में कुछ मोहन निखिल जो है वो क्या है, किसी कंपनी में मतलब दाल की फैक्ट्री है या इस्पात की है या किस चीज़ की? सॉरी सर, आई हैव नो आईडिया अबाउट दिस। ओके, सो वो स्पेशली जो है वो वाइन की फैक्ट्री है। वाइन, राइट सर। उसकी दो ब्रांच है, एक एक है गाजियाबाद में और एक है आपके लखनऊ में। थैंक यू सर। अच्छा, हिंदू कॉलेज को अभी NIRF ने एक ओडिया रैंक दिया है, कौन सी रैंक इसके लिए आपके हिंदू कॉलेज को? सो इज इट गिवन इन रिसेंट टाइम? हाँ, 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग रैंकिंग फ्रेमवर्क आया हुआ है, NIRF, राइट सर। उसकी जो रैंकिंग आई है हिंदू कॉलेज की, वो NIRF में कौन सी थी? सॉरी सर, आई डोंट नो। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में इसकी रैंक आई है 3rd 2020। सर, आई वॉज अबाउट टू गैस इट 3rd, बट आई वॉज नॉट श्योर। यस सर। आपका जो हिंदू कॉलेज है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन से रास्ते में पड़ता है, वो जो रास्ता है जो एरिया उसका नाम बताओ सर? देर इज अ छात्रा मार्ग। छात्रा मार्ग तो पूरा हो गया है, पूरा जैसे डीयू शुरू हुआ उसे पूरा हो गया, स्पेशली जो हिंदू कॉलेज है यहाँ से घूम के। राइट सर, राइट सर, राइट सर। संत कृपाल सिंह मार्ग इज देयर एट पटेल चेस्ट एंड संत छात्रा मार्ग इज द मेन लेफ्ट साइड। यस सर, यस सर, राइट राइट सर, राइट सर, सुधीर बोस मार्ग, राइट सर। सुधीर बोस के बारे में कुछ? नो सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट। अच्छा, आपके हिंदू कॉलेज के एक डिपार्टमेंट को स्टार कॉलेज का दर्जा दिया गया, एक डिपार्टमेंट को, उसमें साइंस भी है, फिजिक्स भी है, आर्ट भी है, तमाम बातें हैं जी। लेकिन हिंदू कॉलेज के एक खास डिपार्टमेंट को स्टार कॉलेज का एक दर्जा दिया गया अभी अभी, वो कौन सा डिपार्टमेंट है आपके? सर आई थिंक इट इज आर्ट्स डिपार्टमेंट। हमारे हिसाब से जो आपका बायोटेक डिपार्टमेंट है, बायोटेक, बायोटेक, ओके, तो जो बायोटेक डिपार्टमेंट है उसके उस सिस्टम को सर इट इज कंसिडर्ड टू बी मिनी इंडिया आई थिंक एंड मोटो होता है कॉलेज का। राइट सर, राइट सर। व्हाट इज द मोटो ऑफ हिंदू कॉलेज? कुछ हल्का सा आइडिया दे दो, एक दो वर्ड से समझो देंगे। सर देयर आर थ्री वर्ड्स। अगर हम म्यूजिक ऑफ ट्रुथ कहें तो ये म्यूजिक ऑफ ट्रुथ, राइट सर, थ्री वर्ड्स आर देयर। राइट या रॉन्ग? राइट है। राइट सर, राइट। तो आपका जो मोटो है वो है म्यूजिक ऑफ ट्रुथ। राइट सर, राइट सर। मैथ्स में आपने जेएससी किया है, फिर अच्छे नंबर भी हैं, 12th में भी आपको बहुत अच्छा है। राइट सर। जैसे एक सर्कल होता है, एक होता है स्फीयर होता है। सर्कल स्फीयर, सर्कल का एरिया जो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का जो पूरा एक एरिया होता है वो सबसे सबसे बड़ा ही होता है, 4πr². यस सर। अगर हम स्फीयर को, किसी तरबूज को, उसको हम 70 पार्ट में काटते हैं, जैसे कि हम तरबूज लेते हैं ऐसे चाकू लें और उसको ऐसे लेकर के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे खाने के लिए, ओके, ऐसे उसे बना दी स्लाइसेस सेक्टर, हां, फ्रॉम द मिड पॉइंट, हमने से तरबूज लिया, एक स्लाइस लिया, राइट सर, हमने चाकू से उसको ऐसे ऐसे काट दिया, राइट सर, तो उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? जो ऑल पार्ट्स आपको दिखेंगे अब, देन फाइंड देन टोटल एरिया। एक तरबूज है तो उसका तो 4πr² सर। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड, क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। कुछ आइडिया का सर? मे बी मोर देन डबल, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, बट सर एक्चुअली आई डिड BSc इन फिजिकल साइंसेस, सो मैथमेटिक्स वाज ओनली अ सब्जेक्ट। सर यस, कोई बात नहीं। एक फार्मूला होता है n+2, यस सर, 4πr² n+4πr² ओके,
जैसे कि हमने आपसे बोला N75, राइट सर, तो 70 प्लस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर हम उसको उसको काटें ही ना, राइट सर, 0 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, राइट सर, अगर हम 2 में काटें हाफ हो जाए, देन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 प्लस 4, राइट सर, ठीक ना, तो ये ऐसे। ओके थैंक यू सर। जी सर, राइट सर, सर इट इज नियर बाय टू, सर इट इज नियर बाय टू द हार्ट आई थिंक, सो सो इफ वी पुट समथिंग, सर दिस इज प्योरली माय व्यू, इफ वी पुट समथिंग इन आवर पॉकेट सो मे बी इट कैन स्टेबलाइज अवर हार्ट बीट्स एंड ब्लड प्रेशर, इट कैन कंट्रोल, राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, सर ऑन ड्यूटी ऑब्वियसली आई विल नॉट गो, बट ऑफ ड्यूटी इफ देर इज अ म्यूचुअल बॉन्डिंग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज देयर सर आई विल गो, सर मैं गो, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।